नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं तो यही सोचे जाते हैं यार वहां से पन्नी मिल जाएगी, उठा लाएंगे, थैला नहीं लेके जाते हैं। यही सोचते हैं यार 10-5 सामान खरीदना, अलग अलग जगह पे थैली ले लेंगे, तो चांद के खिलाफ है ना थैला लेना। लेकिन आप जानते हैं, मतलब सोचा है कभी हम हर साल कितना कचरा जो है प्लास्टिक का पैदा कर देते हैं। हिंदुस्तान में हर साल 2,40,000 टन, ये टन है किलो या ये नहीं है, 2,40,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका कचरा पैदा कर देते हैं। लेकिन अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 जुलाई से 19 चीजों पर बैन लग रहा है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की है। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं इस वीडियो में कि कितनी तबाही हम कर रहे हैं। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने वाला है। सरकार ने सभी अभी जो है सिंगल यूज के प्लास्टिक पर बने 19 आइटम जो है उन पर, सभी पर नहीं, सिर्फ 19 आइटम पर बैन लगाने की बात है। कहीं कौन से वो आइटम है वो बताऊंगा। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके कचरे से होने वाले जो प्रदूषण है उसमें कमी आ सके। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते फिर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने यह बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम कौन कौन से हैं, चलिए बता दें। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो क्या होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी इन 19 आइटम में से यूज करता हुआ मिलता है तो उसे एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना, जेल या दोनों की सजा है। धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद या 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। तो पन्नी के भरोसे मत बैठ जाएगा भाई साहब। कौन कौन सी चीजें हैं, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैक 100 माइक्रोन से कम से जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं वो, और पीवीसी बैनर और स्टिकर्स, ये 19 चीजें अभी जो हैं होने वाली है। अमूल से लेकर मदर डेयरी तक को राहत नहीं मिली है 1 जुलाई को जो होने वाला है। तो 1 जुलाई के बाद दूध की बड़ी धकड़ी समस्या हो सकती है। क्यों खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डीकंपोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीला रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन में जाने से रोकता है, यानी पानी का जो जल स्तर है उसको बढ़ने नहीं देता है ग्राउंड लेवल को। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में, यह आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, दुनिया भर में हर एक मिनट में 10,00,000 प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है, जबकि 5,00,000 करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। प्लास्टिक से बने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो सिंगल यूज के लिए बने होते हैं। इस कारण धरती पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। 40 करोड़ टन। भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्वे किया और उस सर्वे के बाद रिजल्ट जो सामने आया उसमें यह निकला कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से 60% को ही इकट्ठा किया जाता है वापस, बाकी कचरा नदी नालों में पड़ा रहता है। जब बारिश आती है ना, जब हम बोलते हैं यार सीवर जो है ओवरफ्लो हो गए, ये तो नाला जो है ये भर गया है, पानी ऊपर से आ रहा है, वो हमारी गलती की वजह से आता है, क्योंकि हम जो प्लास्टिक रहता है उसको फेंकते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर रुकता है और वो रुक के ऐसी चट्टान बना लेता है जिसको पार करना मुश्किल हो जाता है। हर साल कचरे की अगर बात करें तो प्लास्टिक से बने जो सामान है उसमें अगर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक समंदर में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। हम बात करते हैं कि समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सैकड़ों करोड़ों टन मछलियां मर जाती है, तो क्यों नहीं मरेंगी जब 20 करोड़ टन प्लास्टिक समंदर में है। 2016 तक हर साल 1,40,000,000 टन जो है प्लास्टिक कचरा समंदरों में जाता था। 2040 तक हर साल जो औसत यह बढ़ के
3,70,00,000 टन हो जाएगा। भारत की बात करें तो हर दिन 26,000 टन कचरा निकलता है, 60% इकट्ठा होता है, नदी नालों में जाता है। इसके अलावा हर साल 2,40,00,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पैदा करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति हर दिन 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसका यूज करता है। अब एक अंदाजा लगाइए, आप एक पन्नी लीजिए, वो कितने ग्राम की होगी, एक जो प्लास्टिक की पन्नी होती है वो कितने ग्राम की होगी, हार्डली 1 ग्राम की होगी। यानी कि हम एवरेज जो औसत जो हमारा है, हम 18 से 25 पन्नियां जो है रोज वेस्ट करके फेंकते हैं, जबकि अगर हम एक कपड़े का थैला या बड़ा थैला लेकर रखें अपनी गाड़ियों में, साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, तो शायद ये ना हो। 2017 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक भारतीय हर साल 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। 2017 में ही आई नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है, महासागरों तक गंगा नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। समुद्रों तक सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर है। एक्सपर्ट का अनुमान यह है कि जिस तेजी से समंदर के अंदर कचरा फैल रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक समुद्रों में मछलियां जो हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक होगा। समंदर में कितनी मछली है उससे ज्यादा प्लास्टिक होने वाला है। केंद्र सरकार ने अभी 19 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है, आगे इसमें और भी सामान जोड़े जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के बारे में बातें की है, सोचा है, सुझाव है। तो अगर अपना नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो अभी देख लो भाई, प्लास्टिक के अलावा बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो और जो कंपोज्ड हो सकती हो, तो हो सकता है कॉटन बैग का इस्तेमाल करें, बेम्बू स्टिक का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध है। 30 सितंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। अब तक सिंगल यूज के बने 19 आइटम पर प्रतिबंध लगा है और इसी साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया है कि 31 दिसंबर 2022 में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये आदत होती है तो इस आदत को हमें छोड़ना होगा, तो अपनी गाड़ी में, अपनी स्कूटी में, अपने स्कूटर में, अपने बाइक के साइड वाले झोले में एक झोला और रख लो भाई, उसी में सामान लाया करो।